प्रथम तहलका न्यूज। फतेहाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए जिले के 50 गांवों में विलेज कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। इन कोविड केयर सेंटर्स पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है जो कि कोरोना पीड़ित व्यक्ति तक पहुंच रही है। CMO वीरेश भूषण ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में ऐसे 50 गांवों को चिन्हित किया गया है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। इन गांवों में कोरोना का प्रभाव कम करने के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना पीड़ित व्यक्ति जिनके घरों में सुविधा नहीं है या फिर जिन्हें घरों में आइसोलेट करना संभव नहीं है, उन्हें विलेज कोविड केयर सेंटर में रखने की ये पूरी सुविधा दी गई है। 50 हाई लेवल वाले केसेस हैं, मतलब विलेजेस हैं जिनके अंदर ज्यादा केसेस हैं, उनके अंदर हमने VCCC बनाए हुए हैं जिसको विलेज कोविड केयर सेंटर्स के नाम से जाना जाता है। हर एक विलेज के अंदर 5-5 बेड्स के 2 रूम्स दिए हुए हैं जिसमें एक महिलाओं का वार्ड है 5 बेड का और 5 बेड का पुरुषों का वार्ड है, और उसी हिसाब से वहाँ पे टॉयलेट्स 2-2 दोनों के साथ हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। वहाँ पे जो ड्यूटीज़ हैं वो हमारे, तो हम तो जाके बीच में देख चेक करके आते हैं, दिन में 1-2 बार जाके पेशेंट्स कैसे हैं कैसे नहीं हैं, बाकी खाने की व्यवस्था वगैरह जो है वो सारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की गई है। तो अच्छी व्यवस्था वहाँ पर की गई है? बिल्कुल अच्छी व्यवस्था है जी वहाँ पे। हमारा मेन मकसद है कि वो जो पॉजिटिव केसेस हैं वो जहाँ पे घर में उनके ऐसी सुविधा नहीं है कि लैट्रिन बाथरूम अलग से हो सके या अलग से वो रह सकें एक कमरे के अंदर, उनको वहाँ हमने सुविधा प्रदान करने की कोशिश की है। जो हमारे इस वक्त केसेस आ रहे हैं, जैसे कल हमारे तकरीबन 130 ट्रांसमिसिबल केसेस थे और डेथ भी हमारे काफ़ी कम होगी, कल 2 ही डेथ हमारी रिपोर्टेड थी, तो इस तरह से केसेस में कमी आ रही है। हमारे बेड्स जो यहाँ पे हैं तकरीबन 300 बेड हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं पूरे ज़िले के अंदर प्राइवेट और सरकारी मिला के, और उसके अंदर कल हमारे 111 एक पेशेंट थे, तो काफ़ी कमी आई है और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह कोरोना के अंदर और कमी है। इसका मुख्य उद्देश्य संक्रमण को रोकना है। उन्होंने बताया कि इन सेंटर्स में मेडिकल सुविधा के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्त किया गया है। उनकी माने तो जिले में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं, और आशा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही संक्रमण को हरा कर जिले को फिर से सुरक्षित जोन बनाया जाएगा। हरोली के अंदर जो कोविड सेंटर बनाया गया है उसमें स्थानीय ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन और हमारी हेल्थ टीम की तरफ से जो भी सुविधाएं दी गई है सर, वो मतलब बढ़िया सुविधा दी गई है। हमारे कोविड सेंटर में 18 बेड लगाए गए हैं, उसके अंदर वेंटिलेशन का भी अच्छा खासा इंतजाम है सर। अगर कोई अपने घर पर नहीं रह सकता, सेपरेट रहने की जगह नहीं है, तो हमारे कोविड केयर सेंटर में वो बंदा आराम से रह सकता है। उनको हर तरह की सुविधाएँ दी जा रही है, और अभी तक हड़ोली के अंदर 4 गांव आते सर, जिसमें निमड़ी, चनकोठी, सुकमावाड़ी और हड़ोली, इन चारों जगह पे अभी तक जो हालात है वो हमारे काबू में है। और अगर इन फ्यूचर कोई भी छोटी मोटी दिक्कत आती है तो हमारी जिला प्रशासन की टीम, हेल्थ की टीम और स्थानीय जो ग्राम पंचायत है उनका हमें पूरा सहयोग है, और हम किसी भी तरह के हालात को काबू करने में सक्षम। इसके साथ ही उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि अब लॉकडाउन खुलने के बाद लोग लापरवाही ना बरतें, बल्कि कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करें ताकि संक्रमण के फैलने की गुंजाइश ना रहे। प्रथम तहलका के लिए फतेहाबाद से सुनील की रिपोर्ट।